सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और पबजी जैसे हैवी गेम्स आप खेलते हैं, तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनमें आप जो है अपनी गेम को स्मूथली रन कर सकते हैं, और बजटेबल दोस्तों स्मार्टफोन्स के बारे में हम बात करेंगे जिनको हर कोई आसानी से बाय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो बजटेबल स्मार्टफोन आ जाता है वो आ जाता है टेक्नो का स्पार्क 4। और इसमें दोस्तों आप जो है ईजिली अपनी गेमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो 3 GB रैम एंड 32 GB के वेरिएंट के साथ ये आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी अच्छी हम गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन स्मार्टफोन्स पर जिनके बारे में मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टेक्नो का स्पार्क 4 दोस्तों हमें जो है काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करता है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से जो इसमें गेम है काफ़ी स्मूथली रन होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान में ये जो हमें है 15 से 16 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हमें इंडिया की, तो इंडिया में तकरीबन 6 से 7 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाता है। और काफ़ी बजटेबल स्मार्टफोन है, यानी कि हर कोई इसको आसानी से बाय कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट स्मार्टफोन यहाँ पर आ जाता है वो है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3। लेकिन दोस्तों, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3 की गेमिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें टेक्नो स्पार्क 4 में गेमिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें 2 GB रैम एंड 32 GB का वेरियंट देखने को मिल जाता है, और स्क्रीन भी इतनी बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो। और दोस्तों, गेमिंग परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। टेक्नो स्पार्क 4 की गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इन्फिनिक्स के स्मार्ट 3 से। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसमें थोड़े मिड रेंज बजट के स्मार्टफोन आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो गेमिंग के लिहाज से आ जाता है वो आ जाता है इन्फिनिक्स का हॉट हेड, जिसमें ज़बरदस्त किस्म की हम गेमिंग कर सकते हैं। 4 GB रैम एंड 64 GB के वेरियंट के साथ ये हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो पाकिस्तान में दोस्तों हमें तकरीबन 19 हज़ार रुपये का देखने को मिल जाता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हमें तकरीबन 8 हज़ार रुपये के दरमियान देखने को मिल जाता है। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का स्मार्टफोन है, और 2019 का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला स्मार्टफोन है ये। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं टेक्नो कामन 12 AR। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी जो हमें है 4 GB और 64 GB के साथ देखने को मिल जाता है। और इसमें फ्रंट में हमें दोस्तों 5 हॉल कैमरा देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो है हमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रैम और मेमोरी देखने को मिल जाती है, और प्राइस इंतहाई कम देखने को मिल जाती है। जैसे स्मार्टफोन दोस्तों पाकिस्तान में आपको जो है 19,500 रुपये के दरमियान देखने को मिल जाता है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 8 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो है गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। तो टेक्नो की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो इन्फिनिक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप पबजी के लिए स्मार्टफोन ले रहे हैं, या तो आप टेक्नो का स्पार्क 4 लें, या फिर आप टेक्नो का कैमन 12 AR बाय करें। दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें गेमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।